नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़ और मैं हूं पुखराज सिंह। अति प्राचीन धर्म स्थल गहनेरुआ बाबा का होगा जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण। जी हां, आपको बताया कि खबर है कौशाम्बी क्षेत्र का, जहां पर सिराधु ब्लॉक के केशवापुर गांव में राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत जन जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन ईश्वरी मंजुल तिवारी, सुनील दुबे, जय सिंह, शानू शुक्ला और उनके सहयोगियों द्वारा किया गया, जिसमें महिलाओं को आत्मनिर्भर व स्वावलंबी बनाने को लेकर योजनाओं की जानकारी दी गई। जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि जितेंद्र सोनकर ने बताया कि सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजना महिलाओं के उत्थान के लिए है, जिसमें समूह का गठन कर हजारों महिलाओं को रोजगार के साथ जोड़कर दूसरों आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग प्रदान करती है। नारी शक्तिकरण के तहत बुधवार को केशवपुर गांव में मुखिया परिवार मंदिर प्रांगण के पास राष्ट्रीय आजीविका मिशन द्वारा जन जागरूकता अभियान के तहत जितेंद्र सोनकर ने सरकार द्वारा संचालित कई योजनाओं को जनता से अवगत कराया, जिसमें आपको बताएं कि भैंस पालन, दुकान, ई रिक्शा चलाना, सिलाई कढ़ाई सेंटर, अगरबत्ती, धूप बत्ती बनाने का काम किया जा सकता है। इसके लिए बैंकों से कम ब्याज पर ऋण भी मिलता है। इस दौरान ग्रामीणों ने अध्यक्ष प्रतिनिधि को पेयजल, जल निकास, साफ सफाई, प्रधानमंत्री आवास को लेकर शिकायत भी की, जिस पर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि ने सभी ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन भी दिया है।